गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी आपकी हिंदी ग्रामर की बुक प्रांजल निकाल लीजिए। आज हम प्रांजल का अध्याय 8 पढ़ेंगे, ठीक है। प्रांजल का अध्याय 8 पढ़ेंगे। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। पढ़िए और समझिए। शिवानी एक अच्छी लड़की है। शिवानी चौथी कक्षा में पढ़ती है। शिवानी अपने माता पिता के साथ मेला देखने आई। शिवानी ने मेले से एक गुड़िया खरीदी है। शिवानी का भाई भी साथ आया है। व्याकरण की दृष्टि से ऊपर लिखे वाक्यों में कोई गलती नहीं है। जितने सेंटेंसेस ये लिखे हैं इनमें व्याकरण कि अगर व्याकरण के अकॉर्डिंग देखें, ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें, तो कोई मिस्टेक नहीं है। सब सारे सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन शिवानी जो कि संज्ञा है, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। शिवानी एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है शिवानी, तो संज्ञा है। शिवानी जो कि संज्ञा है, शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। जैसे शिवानी एक अच्छी लड़की है, शिवानी चौथी कक्षा में पढ़ती है, शिवानी अपने माता पिता के साथ मेला देखने गई, तो ये शिवानी संज्ञा का प्रयोग बार बार हुआ है, जो पढ़ने में अटपटा सा लगता है ना। इन्हीं वाक्यों को यदि इस प्रकार लिखा जाए और इन्हीं वाक्यों को अगर दूसरी तरह से भी लिखा जाए, जैसे शिवानी एक अच्छी लड़की है, वह चौथी कक्षा में पढ़ती है, वह अपने माता पिता के साथ मेला देखने आई है, उसने मेले में से एक गुड़िया खरीदी, उसका भाई भी साथ आया है। आपको इस ये जो सेंटेंस है ये सेम ऊपर के ही सेंटेंस है, बट इसमें शिवानी जो संज्ञा है वो बार बार रिपीट नहीं हुई, ठीक है। और ये जो ऊपर के हमने पैराग्राफ पढ़ा था, ये पढ़ने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन सेम चीज़ यहाँ भी लिखी है, लेकिन ये पढ़ने में उतना अटपटा नहीं लग रहा। बच्चों, पहले वाक्यों में शिवानी शब्द बार बार आया है, जिससे पढ़ने में वे अटपटे लग रहे हैं। लेकिन दोबारा लिखे वाक्यों में शिवानी शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, और जब दोबारा लिखे सेम यही शब्द, तो शिवानी सिर्फ एक बार शुरुआत में प्रयोग हुआ, और अन्य वाक्यों में शिवानी के स्थान पर वह उसने, उसका शब्दों का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब इनकी भाषा ज़्यादा प्रभावशाली और सुंदर बन गई है। अब ये जो ऊपर अटपटा लग रहा था, जब हमने इस तरह से इन वाक्यों को लिखा, तो ये इसकी भाषा जो है ज़्यादा अच्छी और सुंदर लग रही थी, और देखने में भी अच्छी लग रही थी, है ना। संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। आप लोग सभी सर्वनाम समझ गए। संज्ञा के स्थान पर जो हम ये शब्द यूज़ करते हैं, जैसे शिवानी संज्ञा था, शिवानी का नाम बार बार रिपीट करने की जगह हमने शिवानी के नाम के साथ पहली बार शिवानी नाम यूज़ करके दूसरी बार में नाम ना यूज़ करके जो ये शब्द यूज़ किए हैं, ये क्या है? सर्वनाम, ठीक है। इन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम किस लिए ज़रूरी होते हैं? ये वाक्यों को प्रभावी बनाते हैं, और जो संज्ञा की रिपीटेशन होती है, ठीक है, उसको वो रिपीटेशन नहीं होती, और सेंटेंस भी ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। सर्वनाम के भेद, अब सर्वनाम प्रकार के कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला प्रकार है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ है पर्सनल प्रोनाउन, जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के नाम के बदले में प्रयोग आए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हुआ? अगर जिसने कोई बात कही या जिसने वो बात सुनी, जिसने कोई बात कही
उसके लिए जो शब्द प्रयोग होंगे या जिसने वो बात सुनी उसके लिए जो सर्वनाम यूज होंगे, और या फिर ना सुनी ना कही या किसी अन्य थर्ड पर्सन के लिए जो सर्वनाम यूज होंगे उन्हें क्या कहते हैं, उनके नाम के बदले में जो सर्वनाम यूज होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। प्रथम पुरुष मतलब जिसने वो बात कही, बोलने वाला। द्वितीय पुरुष सेकंड पर्सन, सुनने वाला। और अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन, बोलने वाले और सुनने वाले से अलग व्यक्ति। ठीक है, सपोज तीन लोग बैठे हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा सुन रहा है। ठीक है, अन्य पुरुष वो हुआ जो ना तो बोल रहा है ना सुन रहा है। तो ऐसे इन सभी व्यक्तियों के लिए जब संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम यूज होगा वो सभी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। द्वितीय पुरुष सेकंड पर्सन, सुनने वाला। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, बोलने वाले और सुनने वाले से अलग व्यक्ति। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। दूसरा प्रकार है सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी ये एक ही प्रकार था, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार थे, अब निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का दूसरा प्रकार, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, उसे, वे आदि। निश्चय हो मतलब बहुत सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति का, अगर हमें किसी एक व्यक्ति का निश्चय करना है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक, मतलब सब में से एक पर्टिकुलर, एक निश्चित, ठीक है, तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपकी बुक में, यह है साइकिल मेरी है। दूसरा वाक्य देखिए, उस डिब्बे में क्या है। यहाँ पर यह साइकिल मेरी है मतलब साइकिल को स्पेसिफाई करते हुए कि ये वाली साइकिल जो है ये मेरी है, तो उसके लिए यह जो शब्द यूज हुआ है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे ही उस डिब्बे में क्या है, अब डिब्बे बहुत होंगे लेकिन उस डिब्बे में क्या है, एक डिब्बे की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए, स्पेसिफाई करते हुए, पर्टिकुलर एक डिब्बे के ऊपर। ठीक है, तो जब हम पर्टिकुलर एक को स्पेसिफाई करते हैं तब जो यूज़ करते हैं वर्ड्स वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह है और उस या फिर उसे। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग में लाए जाएं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई या कुछ। ये तो था स्पेसिफाई करना। अनिश्चयवाचक क्या होता है, जब हमें निश्चित मतलब जो संज्ञा है वो अनिश्चित होती है, संज्ञा फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जब हमें संज्ञा का एग्जैक्ट मतलब बहुत सारी में से संज्ञा का एग्जैक्ट संज्ञा नहीं पता होती, जैसे देखो माँ यहाँ कुछ पड़ा है। अब यहाँ पर कुछ यूज हुआ है, अनिश्चयवाचक संज्ञा है, क्योंकि अभी जो संज्ञा है मतलब वो जो वस्तु है जिसकी तरफ ये लड़की अपनी मम्मी को बता रही है उसके बारे में इस लड़की को भी नहीं पता, तो उसने वो चीज़ क्या है नहीं पता, इसलिए संज्ञा क्लियर नहीं है बच्चे को, तो उसने उसकी जगह क्या यूज़ किया, वर्ड कुछ। देखो माँ यहाँ कुछ पड़ा है, ठीक है, क्योंकि उसको वो चीज़ पता नहीं है एग्जैक्ट है क्या। ऐसे ही दूसरा देखिए, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब यहाँ पर इस लड़की को ये नहीं पता कि इस दरवाजे के पीछे कौन है, ठीक है, व्यक्ति कौन है, तो उसने कोई शब्द यूज़ किया कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो सर्वनाम है ये क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें संज्ञा निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं,
जिन सर्वनाम शब्दों से हमें एक दूसरे के साथ संबंध पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी आदि। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जो पढ़ेगा वो पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या बता रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बता रहे हैं कि जो पढ़ेगा वो पास होगा। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर जिसकी उसकी से हमें लाठी और भैंस के बीच में संबंध पता चल रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। और ऐसे ही यहाँ पर जो पढ़ेगा और पास होगा दोनों में संबंध पता चल रहा है जो और वो से, जो पढ़ेगा वो पास होगा, ठीक है। तो ऐसे जो सर्वनाम होते हैं, जिन सर्वनामों में जो सर्वनाम एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनामों से प्रश्न का बोध हो, ठीक है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किससे आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सिंपल हैं, आपको समझ आ गए होंगे। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तब हम जिन सर्वनामों का उपयोग करते हैं वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन है, यहाँ पर प्रश्न पूछा इन्होंने, इस लेडी ने, कि दरवाजे के पीछे कौन है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा तो उसके लिए क्या शब्द यूज़ किया, कौन। तो कौन क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि कौन से हमें पता चल रहा है कि ये प्रश्न पूछ रही हैं। ऐसे आपको किससे बात करनी है, बच्चा फ़ोन पे बात कर रहा है कि आपको किससे बात करनी है। अब यहाँ पर किससे से हमें पता चल रहा है कि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको किससे बात करनी है, ठीक है। तो कौन, किससे, क्या, ठीक है, ऐसे जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम शब्द, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। आखिरी प्रकार है सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो शब्द काम करने वाला और अपने लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, या वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। अब निजवाचक सर्वनाम क्या हुए, वो सर्वनाम जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, वो जो अपने लिए शब्द यूज़ कर रहा है, सर्वनाम यूज़ कर रहा है, वो क्या हुए, निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। यहाँ पर मैंने मतलब जो ये बच्चा है ये अपने बारे में बात कर रहा है, तो इसने अपने लिए सर्वनाम क्या यूज़ किया, अपना, ठीक है, अपना गृह कार्य कर लिया है। तो इस बच्चे का ने जो यूज़ किया, इससे हमें पता चल रहा है कि इसने खुद का ही गृह कार्य पूरा किया है और सर्वनाम यूज़ किया है अपना। तो अपना क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम, मतलब जो व्यक्ति है अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को उपयोग करता है वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम हमने पढ़ लिए। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है देन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने आज क्या सीखा, जो शब्द संज्ञा के साथ स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हमने अभी पढ़े, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इस अध्याय की जो बैक एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये इसमें कुछ टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं, प्रश्न क सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए, और दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखाएं खींचिए। ये दोनों आज का आपका होमवर्क है, ये आपको आज आपकी बुक में ही नोट करना है, ये आपको नोटबुक में नोट नहीं करना है, आपकी बुक में ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आज का आपका हिंदी ग्रामर का होमवर्क है।